PACL स्कैम ये भारत के सबसे बड़े स्कैमों में से एक है। इस स्कैम में लगभग 45,000 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। और दोस्तों, कैसे एक साइकिल पर दूध बेचने वाले व्यक्ति ने लोगों के साथ फ्रॉड करके लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खड़ी कर ली। अब दोस्तों, इन्होंने ऐसी क्या स्कीम निकाली कि भैया लोगों ने अपने पैसे धड़ाधड़ इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए। तो दोस्तों, जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो के लिए एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस लगातार मिलती रहें। दोस्तों, इस पूरे 45,000 करोड़ के स्कैम की स्क्रिप्ट लिखी थी पंजाब के बरनाला जिले के रहने वाले निर्मल सिंह भंगू ने। दोस्तों, ये एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था और शुरुआत में दोस्तों ये अपने भाई के साथ पंजाब के ही जिलों में साइकिल पर दूध बेचने का काम किया करता था। लेकिन दोस्तों, उससे उतना पैसा आता नहीं था कि भैया अपने शौक पूरे किए जा सके। इसलिए 70 के दौर में निर्मल सिंह भंगू कोलकाता आ गया और कोलकाता में इसने पीएलएस कंपनी में नौकरी भी कर ली। दोस्तों, ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी जो लोगों से इन्वेस्टमेंट कराकर और उनको फिर हाई रिटर्न देती थी। तो उसमें इस बंदे ने काफ़ी सालों तक काम किया। अब कोलकाता की उस कंपनी में कुछ साल काम करने के बाद निर्मल सिंह भंगू हरियाणा आ जाता है और हरियाणा में एक और चिटफंड कंपनी में काम करने लगता है। अब दोस्तों, वो जो हरियाणा वाली चिटफंड कंपनी थी वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रही थी, इसलिए जल्द ही उस कंपनी पर ताला लग गया और भंगू पूरी तरह से बेरोजगार हो गया। जब भंगू को लगा कि भैया मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, तो उसका जो अनुभव था चिटफंड कंपनियों में काम करने का, उसने सोचा कि यार क्यों ना मैं भी एक चिटफंड कंपनी बनाऊं और लोगों से पैसा इन्वेस्ट कराकर अच्छा खासा मुनाफा कमाऊं। इसीलिए दोस्तों, 1980 के दशक में इसने एक कंपनी बनाई PACL, यानी कि पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, बेसिकली एक ऐसी कंपनी थी जो लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट कराकर और उनको हाई रिटर्न देने का वादा करती थी। और दोस्तों, इसीलिए लोगों ने इस कंपनी के कहने पर ही अपने पैसे कंपनी में इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए। अब दोस्तों, आप भी ये सोचेंगे कि यार कंपनी ने ऐसी क्या स्कीम निकाल दी थी जो लोग धड़ाधड़ इसमें इन्वेस्ट करते जा रहे थे। तो दोस्तों, इन्होंने एक ऐसी स्कीम निकाली थी कि भैया लोगों से ये कहा कि आप अपने पैसे कंपनी में जमा करिए और हमारी कंपनी उस पैसे से ज़मीन खरीदेगी और उस ज़मीन को कुछ समय के बाद बेचने के बाद जो हाई रिटर्न उनको मिलेगा, वो उस हाई रिटर्न में से जिन्होंने भी वो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनको भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देंगे। इस तरह से लोगों को एक कागज़ का टुकड़ा भी दिया जाता था जिस पर ये सब चीज़ें लिखी होती थी। हालांकि उनको ज़मीन से रिलेटेड कोई कागजात ना तो कभी दिखाए गए और ना ही कभी दिए गए। अब लोगों को भी लगता था कि भैया हमको एक स्लिप मिल चुकी है और कंपनी हमको वादा भी कर रही है, तो वो अपने पैसे धड़ाधड़ कंपनी में इन्वेस्ट करने लगे, जिससे इनके पास एकदम से करोड़ों रुपया आने लगा। और दोस्तों, अपने इस नेटवर्क को फैलाने के लिए इन्होंने लगभग 23,00,000 से भी ज़्यादा एजेंटों की भर्ती की। अब दोस्तों, एजेंटों का काम होता था कि भैया अपने इलाके के आसपास के जो लोग हैं वहाँ पर जाकर अपनी कंपनी की स्कीम बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कराएं। और इसके बदले जो एजेंट थे उनको लाखों लाख रुपए का कमीशन दिया जाता था। अब कोई भी अगर बंदा भैया थोड़े से काम के लिए अगर उसको 1,00,000 रुपए तक महीना सैलरी मिल रही है, तो एजेंट भी इनकी कंपनी को बढ़ा चढ़ा कर लोगों के बीच पेश करते थे। और लोगों को इनकी स्कीम में भरोसा इसलिए भी हो जाता था कि भैया ये लोगों से कहते थे या तो आप अपने पैसे की ज़मीन ले सकते हैं या फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट की है 10 साल बाद हम उस इन्वेस्टमेंट का आपको 4 से 5 गुना ज़्यादा रकम देंगे। तो लोगों को भी लगता था कि यार बैठे बिठाए हमको 4 से 5 गुना रकम मिल रही है या फिर हमको बैठे बिठाए कोई अच्छी खासी ज़मीन मिल जाएगी। तो इस तरह से लोग इनकी जो स्कीम थी उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे। और दोस्तों, इन्वेस्ट और भी ज़्यादा तब बढ़ गया जब कुछ लोगों को इन्होंने ज़मीन भी दी। और दोस्तों, जब हालांकि उस ज़मीन की सच्चाई सामने आई तो वो ज़मीन जो इन्होंने लोगों को दी थी वो ऐसी ज़मीन थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, या फिर वो ऐसी स्कीम थी जो सरकारी ज़मीन थी, या फिर वो ऐसे लोगों की ज़मीन थी जिन्होंने वो ज़मीन कभी बेची ही नहीं थी। टोटली पूरी तरह से फ्रॉड करके इन्होंने फर्जी कागजात लोगों को पकड़ा दिए थे। और उसमें इन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दी कि भैया जो भी बंदा अपने परिवार या अपने रिश्तेदार से और भी लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट कराएगा तो उसका भी अच्छा खासा कमीशन बनेगा। बेसिकली एक चेन सिस्टम इन्होंने तैयार कर दिया था। तो इस तरह लोगों ने अपने आसपास के परिवार के रिश्तेदारों के अपने मोहल्लों के जितने भी लोग टच में थे उन सबसे इस स्कीम के बारे में बताया और सबसे इस स्कीम में इन्वेस्ट कराना शुरू कर दिया, जिससे भैया कंपनी के पास कुछ ही सालों में हजारों करोड़ों रुपये की इन्वेस्टमेंट आ गई। और दोस्तों, भंगू ने इस इन्वेस्टमेंट को अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ तक कि इन्होंने विदेशों में भी प्रॉपर्टी बनानी शुरू कर दी। हालांकि उनको ये सब चीज़ें बाद में पता चली, शुरुआत में तो काफ़ी सारे लोगों को हाई रिटर्न कंपनी ने दिए और इस हाई रिटर्न के दम पर ही लोगों को और भी ज़्यादा इस पर विश्वास हो गया कि भैया लोगों को तो अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, क्यों ना हम भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। और लोगों के भरोसे को जीतने का काम किया कंपनी के जो 23,00,000 से ज़्यादा एजेंट थे उन्होंने, क्योंकि वो एक तो लोगों के आसपास के इलाके के ही होते थे
और वो उस एजेंट को अच्छे तरीके से भी जानते थे, तो इसलिए वो कंपनी पर ना सही लेकिन अपने जो आसपास के वो एजेंट लोग बनाए हुए थे उन पर ज़्यादा विश्वास करते थे। वो एजेंट भी इस तरह से लोगों के बीच कंपनी की रेपुटेशन को प्रेजेंट करते थे कि भैया कंपनी कभी बंद नहीं होगी और कंपनी ने जो आपको ये स्लिप काट कर दी है, अगर बाय चांस आपको भविष्य में कोई दिक्कत है तो आप इस पर्ची से अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तो इस तरह से लोगों को भी ये पूरा भरोसा हो गया कि हाँ भैया ये एक अच्छी स्कीम है और उनको भविष्य में अच्छा खासा रिटर्न देगी। और दोस्तों ये ऐसी स्कीमें 70, 80 और 90 के दौर में काफ़ी चला करती थी क्योंकि उस दौर में लोगों को इतनी समझ नहीं थी, वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया करते थे। तो इसीलिए उस दौर में ऐसी और भी काफ़ी सारी कंपनियां थी जो इस तरह से लोगों से इन्वेस्टमेंट कराकर उनके साथ फ्रॉड कर चुकी थी। दोस्तों 90s के दौर में ऐसी काफ़ी सारी कंपनियां चल रही थी जो लोगों से इन्वेस्टमेंट करा रही थी और इन सब की शिकायत सेबी के पास आने लगी थी। अब सेबी ने भी इन सब कंपनियों पर रोक लगाने के लिए एक नया रेगुलेशन बनाया, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेशन। अब दोस्तों ये नियम इसलिए था कि भैया जो ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो लोगों से पैसा ले रही हैं वो उनको वापस दे भी रही हैं या नहीं दे रही हैं या फिर फ्रॉड कर रही हैं। अब इस नियम के आने के बाद इन इन्वेस्टमेंट कंपनी पे सेबी की नज़रें आईं, लोगों ने भी धीरे धीरे इनको फिर रिपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन दोस्तों इस नियम के बनने के बाद भी लगभग 10-11 सालों तक ये केस ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहा और फाइनली जब 2014 में ये केस सीबीआई को सौंपा गया और इसकी पूरी तरह से जांच की गई तो फिर इसमें पता चला कि भैया ये पूरा फ्रॉड लगभग 43,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है, जिसमें लगभग 5.5 करोड़ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। बाद जब इनकी जांच की गई थी तो भैया भंगू के पास लगभग 1300 बैंक खाते मिले जिसमें कई 1,000 करोड़ रुपए की रकम जमा थी। साथ ही साथ कुछ ऐसे कागज भी मिले जिसमें विदेशों में इन्वेस्टमेंट दिखाई गई थी और काफ़ी सारी फर्जियां कंपनी बनाई गई थी जिसमें पैसों को ट्रांसफ़र कर करके विदेशों में भेजा गया था और विदेशों में 1,000 करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां खरीदी गई थी। अब जब ये सारी बातें जांच में खुलकर सामने आई तो सेबी ने लोगों का पैसा वापस रिटर्न करने के लिए कहा, लेकिन जब लोगों को पैसा वापसी करने की बारी आई तो वहाँ पर भी लोगों से कंपनी ने फ्रॉड कर लिया। उनसे कहा गया कि भैया जिन्होंने भी अपने पैसे इन्वेस्ट करे हैं वो वापस लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन में 10% फीस चार्ज लगेगी। इस तरह से उन्होंने काफ़ी सारे लोगों से 10% फीस चार्ज भी ले ली और उनको वापस उनका पैसा भी नहीं किया गया। जब सेबी को ये सब चीज़ें पता चली तो फिर उन्होंने खुद ही लोगों को पैसा देना शुरू कर दिया। सेबी ने अपनी एक पोर्टल शुरू किया जहाँ पर लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और उनको उनका पैसा वापसी मिला। हालांकि दोस्तों ये केवल 20 से 21 लाख लोगों को ही वापसी पैसा मिल पाया। अब भी लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको इस स्कीम में लगाया हुआ पैसा अभी तक वापस नहीं मिला। तो दोस्तों आप भी ऐसी किसी स्कीम में जहाँ पर आपको बैठे बैठे काफ़ी सारा मोटा लालच दिया जाए कि भैया आप पैसे इन्वेस्ट करके और बैठे बैठे ही काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं, तो भैया ऐसी किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट ना करें और करें भी तो सोच समझ कर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।